हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को खोजेंगे। आंध्र प्रदेश ऑन मंडे मॉर्निंग, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। एमी सेट, ये भी नहीं हो सकता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड, ये हमें मुझे फर्स्ट सेंटेंस लग रहा है। तो सी मे बी द फर्स्ट सेंटेंस। दी कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रो सेटेलाइट, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं लग रहा। तो सिंपल एक ही फर्स्ट सेंटेंस मिल रहा, सी। तो यहाँ पे सी शुरू में कहाँ पे है, एक नंबर पे है, तो वो करेक्ट हो गया। अब आओ एक पेयर भी देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड, कुछ क्या लॉन्च करेगा, कुछ लॉन्च करेगा, लॉन्च्ड इसको लॉन्च किया है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, इसको लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पे उसके पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दी कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सेटेलाइट, कंट्री का पहला इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट इमी सेट लॉन्च किया है। ओके, तो क्या होगा, सी के बाद जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, डी का बन रहा है ना, डी का। तो सी के बाद डी आएगा, यहाँ पे डी मिसिंग है, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। सी के बाद डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, बी। इमी सेट को लॉन्च किया है फ्रॉम सी इन कोस्टल, कोस्टल कहाँ, इन कोस्टल आंध्र प्रदेश ऑन मंडे मॉर्निंग। सी डी बी ए, समझ रहे हो।